हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाली इडली। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे इडली। इडली के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल सूजी, और यहाँ पर ऐड कर देंगे हम आधा चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिस बाउल से हमने सूजी ली थी उसी बाउल से हम पानी ऐड करेंगे, 1 बाउल, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंद्रह मिनट के लिए इसे एक प्लेट से हम कवर करके रख लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इडली का बैटर चेक कर लेंगे। और इडली का जो बैटर है वो काफ़ी थिक हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। जिस बाउल से हमने सूजी ली थी उसी बाउल से हम आधा बाउल पानी इसमें और ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार हमने इसे मिक्स कर लेना है। बैटर इस प्रकार हो चुका है। इस इडली को हम बिना दही के बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनो का पैकेट लिया है। अब हम इसमें इनो ऐड कर देंगे और इस इनो को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसे हमें ठीक से मिला लेना है पूरे। यहाँ पे मैंने लिए हैं इस साइज के बाउल और इनमें हम ऑयलिंग कर लेंगे ताकि जब हम इडली बनाएं और इडली बनने के बाद इनमें चिपके ना। इस प्रकार हमने ऑयलिंग कर लेनी है इन सभी बाउलों में। ये हमने इस प्रकार ऑयल को फैला लेना है। आप इसकी जगह पर कोई ग्लास और या अन्य कटोरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बैटर को इसमें ऐड कर देंगे। इडली का जो हमने बैटर बनाया है हमें पूरा फुल नहीं करना है, इस प्रकार ही रखेंगे। इस प्रकार मैंने इन 4 कटोरों में बैटर ऐड कर लिया है। यहाँ लिया है मैंने एक बर्तन और इस बर्तन में मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें एक इस प्रकार का कटोरा डाल देंगे और इस कटोरे के ऊपर एक प्लेट रख देंगे इस प्रकार से। और अब इसे हम एक थाली से कवर कर देते हैं, इसमें पानी उबलने देंगे। अब पानी गर्म हो चुका है। यहाँ हमने जो पॉट लिया है, अब बैटर रखे हुए कटोरे हम इसमें इस प्रकार रख देंगे। इन्हें मैंने इस प्रकार रख दिया है। और अब जैसे हमारा एक कटोरा नहीं आ पा रहा है तो हमने इसमें ऊपर से एक प्लेट रखकर एक कटोरा इस प्रकार रख दिया है। अब हम इसे इस प्रकार कवर करके रख देंगे और 10 मिनट तक इन्हें चेक करेंगे। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि जो इडली थी
वो बन चुकी है या नहीं, इस प्रकार की एक सीख लेंगे और सीख के द्वारा चेक कर लेंगे। और इस सीख में बैटर नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी इडली बन चुकी है और हम इन्हें अब ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच के पीछे वाली साइड से इस प्रकार इसके किनारों को इस प्रकार कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो इडली है वो आसानी से निकल जाए। इस प्रकार हमारी ये इडली निकल चुकी है। इसी प्रकार हम अन्य इडलियों को भी निकाल लेंगे। इस प्रकार मैंने सभी इडलियाँ निकाल ली हैं और ये इडलियाँ हमारी इतनी परफेक्ट बन के तैयार हुई हैं, जालीदार बन के तैयार हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।